हेलो एवरीवन वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पांच राज्यों के बड़े स्कूलों से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए आ, अच्छे हैं अच्छे स्कूल्स हैं सभी बड़े स्कूल्स हैं जैसे कि सीआरपीएफ स्कूल है सेंट जेवियर स्कूल है डेवी स्कूल है इन स्कूलों से वैकेंसीज हैं तो आगे डिटेल्स हम वीडियो में चेक कर लेते हैं बट आपको स्क्रीन लेनी होगी क्योंकि मोस्टली सभी जो है ना न्यूज में पब्लिश हुए हैं तो उनकी इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है एडवर्टिजमेंट की तो आपको स्क्रीन ही लेने होंगे या फिर आप डिटेल्स नोट डाउन कर सकते हैं तो वन बाई वन शुरू करते हैं सबसे पहली वैकेंसी जो आई हुई है वो सीआरपीएफ स्कूल की वेकेंसी कवर कर लेते हैं तो सबसे पहली वैकेंसी जो है ना सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल से है जो कि यहां पर आप इसकी एड्रेस नोट डाउन कर लें सेक्टर सिक्सटीन बी द्वारका न्यू डेली सेवेंटी एट नियर सेक्टर फोर्टीन मेट्रो स्टेशन और इसमें रिक्वायर सीटेट चाहिए इनको पी आर टी इंग्लिश साइंस एंड कंप्यूटर साइंस है लेकिन सीटेट वन लगेगा इसमें और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में हिंदी एंड सोशल साइंस में इसमें सीटेट पेपर टू लगेगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में अच्छा ये परमानेंट भी हो सकते जैसे सीआरपीएफ वगैरह स्कूल्स हैं ना तो ये परमानेंट टीचर्स रखते हैं ऐसा नहीं है कि जॉब टर्मिनेट कर देते हैं तो तो पीआरटी और टीजीटी के ऊपर जो वैकेंसीज हैं वो तो आपकी परमानेंट हो सकती हैं और ये ली वैकेंसी ये परमानेंट नहीं रहेंगे जो पीजीटी बायोलॉजी इकोनॉमिक्स एंड टीजीटी साइंस है पीजीटी के लिए रिसीटेड की जरूरत नहीं टीजी साइंस के लिए रिसीटेड पेपर टू लगेगा क्वालिफिकेशन एज पर रूल्स जैसे रूल्स है ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू अप्लाई विद इन सेवन डेज ऑन द प्रेस्क्राइब फॉर्म द एप्लीकेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल एट द रिसेप्शन काउंटर अच्छा इसकी फॉर्म ना वेबसाइट पर भी है मैं वेबसाइट की लिंक आपको दे देती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें फॉर्म मिल जाएगी वहां से डाउनलोड करके फिल करके आपको दिए गए एड्रेस पर कुछ सर्टिफिकेट अगर फोटोकॉपी लगाना है तो लगा के दिए गए एड्रेस अगर आपके आसपास स्कूल है तो आसपास जाके सबमिट कर दीजिए बाय हैंड और अगर थोड़ा सा दूर है और आप अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कूल में तो आप जो है ना बाय पोस्ट भेज दें एप्लीकेशन जिसमें भेजते हैं आप एनवेलप में उसके ऊपर क्लियर लिखें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पी आर टी इंग्लिश एट सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल पूरा एड्रेस लिखे अपना नाम अपना एड्रेस लिखे और एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ वेबसाइट पे है तो सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल ये देख रहे हैं ये फॉर्म है ना इसको थोड़ा स्क्रोल डाउन करके इस तरीके से आपको इसकी प्रिंट लेनी होगी फिल करके आप, आप भेज सकते दिए गए एड्रेस पे कुछ फोटो कॉपीज लगा रहे जैसे टेंथ की लास्ट आपकी जो भी सीटेट है बी एड है लास्ट जैसे ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ये चार पांच सर्टिफिकेट भी इसमें अटैच कर दें अपनी साइन करके फोटो कॉपी लगा दें और साथ में जो है ना एक लेटेस्ट फोटोग्राफ भी पेस्ट कर दें तो ये लिंक मैं आपको दे देती हूँ सी आर पी एफ द्वारका करियर सेक्शन का इसमें फॉर्म मिल जाएंगे तो पहली वैकेंसी तो द्वारका दिल्ली से है सीआरपीएफ स्कूल से दूसरी वैकेंसी देख लेते हैं सेकेंड वैकेंसी सेंट जेवियर्स सेके, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से वी आर हायरिंग प्रिंसिपल के लिए postgraduate teacher english physics history political science tgt english social science physical education teacher sports coach cricket football basketball table tennis activity teacher dance music art and craft candidates are request, requested to satisfy, specify the subject and category they are applying for candidates are requested to send the biodata on email id so Javiers. मैनेजर एट द रेट जी मेल ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में नीचे क्या लिखा है एड्रेस पुलिस लाइन रोड कन्नौज मोबाइल नंबर तो ये कन्नौज उत्तर प्रदेश में है ई e मेल पर आपको भेजना है लेकिन सब्जेक्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे uh, जो ई मेल की सब्जेक्ट लाइन है जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करें जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजी टी सपोज इंग्लिश या सोशल साइंस ऐसा एट सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कन्नौज और आप अपना अपडेटेड जो बायोडाटा है वो भेज देंगे तो दूसरी जो वैकेंसी है वो कन्नौज उत्तर प्रदेश सेंट जेवियर स्कूल से आई हुई है तीसरी वैकेंसी देख लेते हैं थर्ड वैकेंसी थर्ड वैकेंसी रेसिडेंशियल स्कूल है अच्छी बड़ी स्कूल है ये भी और महर्षि महर्षि विद्या मंदिर लखनऊ उत्तर प्रदेश से इसमें प्री प्राइमरी टीचर के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जियोग्राफी पीआरटी कंप्यूटर साइंस केयर टीचर फीमेल Apply with detailed biodata on principal प्रिंसिपल एम वी पी एस डॉट लखनऊ एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इन पर्सन रेज्यूम कैन बी आप personally भी जाके ja submit कर सकते ई मेल से भी apply कर सकते ट्वेंटी एट मार्च last date है इसकी एड्रेस नोट कर लें आई आई एम बाईपास सीतापुर रोड लखनऊ तो महारिषि विद्या मंदिर लखनऊ ये रेसिडेंशियल स्कूल है डे कम रेसिडेंशियल तो तीन वैकेंसी हो गई और इसके बाद जो है फोर्थ वैकेंसी उत्तर प्रदेश से है आप लास्ट तक देखें जितनी भी वैकेंसीज है सब कवर कर ले अच्छी वैकेंसी है ये भी सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल से है ज्वाइन द लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस एट सेठ आनंद राम जयपुरिया ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जयपुरिया ग्रुप बड़ी बड़ा ग्रुप है काफी बड़ा ग्रुप है ये और इनसे आई हुई है वैकेंसी स्क्रीन ले लें आप प्लीज काजियाबाद उत्तर प्रदेश में है ये भी उत्तर प्रदेश से मैंने तीन वैकेंसीज अभी तक कवर किया और भी स्टेट से कवर करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश फिजिक्स साइकोलॉजी अकाउंटेंसी लीगल स्टडीज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश हिंदी संस्कृत जर्मन फ्रेंच साइंस एंड सोशल स्टडीज प्राइमरी टीचर के लिए फ्रेंच डांस वेस्टर्न म्यूजिक थिएटर एंड स्पोर्ट्स प्री प्राइमरी टीचर एंड को टीचर्स के लिए इंक्लूडिंग आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रेजुएट है एनटी है या मोन्ट्रेसी ट्रेन भी है तो चलेगा स्पेशल एजुकेटर्स स्कूल काउंसलर करियर काउंसलर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट एंड ग्राफिक डिजाइनर कम वीडियो एडिटर और करिकुलम एजुकेटर्स अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट कोई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा चुके हैं और अगर यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए किसी भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट और बाकी फ्रेशर तो ऊपर अप्लाई करेंगे ही इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर इन्वाइटेड टू सेंड रेज्यूमेड डिटेलिंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट विद इन सेवन डेज टू ये ईमेल आईडी दिया हुआ है दो ईमेल आईडी आई डी दिए हुए दोनों पे अप्लाई कर दें सेठ आनंद राम जयपुर स्कूल वेयर लिगेसी मीट्स इनोवेशन ईमेल आईडी पर आप अप्लाई कर दें बायोडेटा अपना कुछ नहीं भेजना है सिर्फ बायोडेटा भेजना है तो उत्तर प्रदेश से तीन मैंने कवर कर दिए एक लखनऊ से एक कन्नौज से एक गाजियाबाद तो तीन तो उत्तर प्रदेश से हो गया और एक मैंने आपको दिल्ली से कवर किया चार हो गए और अभी अभी वैकेंसीज कवर करेंगे क्योंकि दो ही स्टेट हुए ना तो तीन और स्टेट की वैकेंसीज कवर कर लेते हैं थर्ड जो स्टेट है तीसरा स्टेट और ये पांचवी वैकेंसी है पांचवा स्कूल की आ, स्कूल है पर ये तीसरे स्टेट से कवर करे इसके पहले दिल्ली और उत्तर प्रदेश से किया उत्तर प्रदेश से तीन किया दिल्ली से एक ये भी बड़ा ग्रुप है ज्वाइन द लीडिंग एजुकेशनल ट्रस्ट इन महाराष्ट्र मीना भुजबल भुजबल नॉलेज सिटी ये पूरा नॉलेज सिटी बना के रखा है इन्होंने और बहुत बड़ा ग्रुप है यहां से आई हुई है वैकेंसीज भुजबल नॉलेज सिटी महाराष्ट्र से आई है तो इसमें क्या क्या मांग रहे हैं प्री प्राइमरी टीचर के लिए स्क्रीनशॉट ले लें ग्रेजुएट भी ई डबल सी क्वालिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी के लिए मैथ्स इंग्लिश हिंदी मराठी साइंस सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं बी के साथ में तो अप्लाई कर सकते हैं स्क्रीन ले लें प्लीज टीजीटी मैथ्स इंग्लिश हिंदी मराठी साइंस सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं बी के साथ अप्लाई कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर में मेल कैंडिडेट चाहिए एमपेड या बीपेड स्पेशल एजुकेटर चाहिए क्वालिफिकेशन नोट डाउन कर लें स्टूडेंट काउंसलर चाहिए एचओडी चाहिए टेन ईयर्स का एक्सपीरियंस जिनको इंग्लिश साइंस एंड मैथ्स पढ़ाने के लिए दस साल जिनके पास एक्सपीरियंस हो एचओडी के लिए सैलरी बाकी सभी पोस्ट के लिए थ्री ईयर्स का एक्सपीरियंस लगेगा ई मेल और रेज्यूम टू और ये है कहा पर आ, नासिक में है ये एम ई टी बुजबल नॉलेज सिटी नासिक महाराष्ट्र में है और इसमें जो ईमेल आईडी दी हुई है एचआर एट द रेट बीकेसी डॉट एम ई पर आप अपना बायोडेटा शेयर कर सकते हैं टेंथ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर लास्ट डेट है इसके शेयर करने की तो महाराष्ट्र से एक वैकेंसी मैंने कवर की आगे और वीडियो आप देखते रहे आप जिस भी स्टेट से और भी वैकेंसीज़ हैं ये सिक्स स्कूल है छठा स्कूल है और ये गुजरात से वैकेंसीज आई हुई हैं। साधु वासवानी स्कूल से ये है, वैकेंसीज़ हैं गुजरात से जिसमें कि प्रिंसिपल स्क्रीनशॉट ले लें यहां पर बता रहे हैं जो एड्रेस वो नोट डाउन करना है मैनेज बाई साधु वासवानी मिशन अहमदाबाद रिकोगनाइज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में बेनिफिट क्या रहता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में आपको एड मिलता है एडेड रहता है गवर्नमेंट एड देती है इससे जो सैलरी बेहतर होती है तो प्रिंसिपल की पोस्ट है दो साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं पांच साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जिसमें दो साल आपका ना एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होना चाहिए एक्सपीरियंस पोस्ट ग्रेजुएट बी एड या के साथ में वाइस प्रिंसिपल के लिए हायर सेकेंडरी टीचर के लिए एम कॉम बीएड एंड टू ईयर एक्सपीरियंस प्राइमरी टीचर मैथ्स इंग्लिश बीएससी बी और बी ए है बी के साथ वन ईयर एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक के लिए इसमें पांच दिनों के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना है ईमेल योर सीवी सीबीआई विद सर्टिफिकेट एंड फोटो टू चेयरमोन विदिन विद इन फाइव डेज ये ईमेल आईडी दो दो दिए हुए इसमें और कॉपी टू ये याद रखना इसमें ईमेल पे आप भेजेंगे साथ में बायोडाटा लेंगे अपना जितना भी सर्टिफिकेट है टेन थॉनवर्ड्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है ना बायोडेटा पे, पे पेस्ट करेंगे सर्टिफिकेट टेन थॉनवर्ड जो भी पासिंग और मार्कशीट है उन सब की फोटोकॉपी सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके इन दोनों पर भेजेंगे आप और सीसी कॉपी टू ये ईमेल आईडी रखेंगे साधु टी एल वासवानी मार्ग सरदार नगर अहमदाबाद ये भी अच्छा बड़ा स्कूल है होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगी मेथड समझ लिया होगा जब भी आप ई से अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट लाइन में आपको जरूर लिखना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज पीआरटी मैथ्स एट स्कूल का नाम ऐसा और पी में ही भेजना चाहिए कन्वर्ट करके तो ये हो गया फोर्थ uh, स्टेट uh, से एक वैकेंसी कवर कर दी एक और लास्ट वैकेंसी कवर कर देते हैं इस वीडियो के लिए सेंट स हाई स्कूल से लास्ट वैकेंसी जो है ना इसमें क्या क्या मांग रहे हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट आपको जाना है तो इसमें सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एफिलियेटेड टू सीबीएसई टू केदार गौरी रोड भुवनेश्वर पिन फोन नंबर रिक्वायर्स टीजीटी केमिस्ट्री फिजिक्स एंड इंग्लिश के लिए 27 मार्च 5th अप्रैल ट्वेंटी मार्च इसमें से किसी भी डेट को आप जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो भी डेट आपको सुटेबल है उड़ीसा से है ना भुवनेश्वर उड़ीसा से है ये लास्ट वैकेंसी कवर कर रहे है इस वीडियो की उड़ीसा भुवनेश्वर से तो पहले मैंने एक दिल्ली से कवर किया तीन मैंने जो है ना कवर कर दिया आपके उत्तर प्रदेश से और एक मैंने महाराष्ट्र से कवर किया एक मैंने गुजरात से वैकेंसी कवर की और ये लास्ट वैकेंसी है उड़ीसा से तो पांच स्टेट और सात ही आठ मैंने स्कूल कवर कर दिया पीआरटी इंग्लिश के लिए थर्टी मार्च को आप जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू क्वालिफिकेशन सामने लिखा हुआ है टीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं और बीएड है तो जा सकते हैं पीआरटी इंग्लिश के लिए केवल है वैकेंसी ग्रेजुएट हैं और बीएड है तो आप वॉक इन जा सकते हैं लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी है सिक्सथ अप्रैल को वॉक इन है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट बी लिव या एम लिब है तो नर्सरी टीचर के लिए एनटीटी एं या मॉन्टेसी ट्रेन या इक्व जो भी है ग्रेजुएट के साथ नाइनटीन मार्च इसकी डेट निकल गई सॉरी एंड तबला इंस्ट्रक्टर के लिए एट अप्रैल को ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू गिव अस डेमो ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू तो ये सब रेडी करके आपको जाना है तो ये सारी वेकेंसीज आपके लिए कवर कर दी बेस्ट क्वेश्चन